अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। प्राइम 80 न्यूज चैनल अब नेटविजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। मुरादनगर क्षेत्र के गंगनहर पर आज पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बन चुका है 50,000 का इनामी हथियारा विशाल चौधरी उर्फ मोनू। दोपहर पुलिस से हुई मुठभेड़ में बुरी तरह घायल हो गया। घटना के दौरान दो पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी सूचना है। तत्पश्चात मोनू को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि मोनू ने 23 मई को रेलवे रोड स्थित गोयल टेलीकॉम के ओनर मुकेश गोयल की हत्या कर दी थी। इससे पहले भी नवीन भारद्वाज आदि के मर्डर में भी वह मुख्य रूप से शामिल था। इसके साथ मोनू के विरुद्ध लगभग 13 मुकदमे दर्ज हैं। सर, 50,000 का वांटेड जो है मुठभेड़ में ढेर हुआ है, क्या डिटेल्स हैं, कब ये मुठभेड़ हुई और किस तरीके से इसको इंटरसेप्ट किया गया था? हमारे यहाँ दो घटनाएं हुई थी विगत 2 माह में, जिसमें 2 हत्याएं हुई थी, एक नवीन भारद्वाज की, दूसरी सिंगल की। दोनों हत्याएं उखलारसी के ही अभियुक्तों द्वारा की गई थी। मुरादनगर थाना क्षेत्र में काफी दुस्साहसिक तरीके से वारदात हुई थी। इस वारदात में जो अभियुक्त थे वो अधिकतर अभियुक्त मुरादनगर के ही रहने वाले थे, जिसमें से कुछ अभियुक्तों के विरुद्ध पूर्व में कार्रवाई भी की गई थी। उनके गैंगस्टर ने 29 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की गई थी पुलिस के द्वारा। उसी मामले में एक वांछित अभियुक्त मोनू चौधरी, जो उखलारसी गाँव का ही रहने वाला है, उसके बारे में आज ये सूचना प्राप्त हुई कि वो अपनी बहन के घर से मोटरसाइकिल से निकल रहा है इधर मिलने के लिए किसी से। उसकी मोटरसाइकिल पे उसके साथ एक और व्यक्ति सवार था, उसकी तस्दीक अभी तक नहीं हो पाई है। इसी सूचना पे पुलिस पार्टी को अलर्ट किया गया, जिसमें हमारे थाना अध्यक्ष मुरादनगर, उन्होंने स्वयं इसको लीड किया और उनकी टीम ने लीड किया। यहाँ पे गंगनहर के पास जब उनको इंटरसेप्ट किया गया तो फायरिंग करते हुए दोनों बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें से एक बदमाश, जिसकी अभी तक आइडेंटिटी शिनाख्त नहीं हो पाई है, वो मौके से भागने में सफल रहा। घटना में 2 पिस्टलों का इस्तेमाल किया गया है, एक 30 mm की पिस्टल, एक 32 mm की पिस्टल है। घटनास्थल से 30 mm की पिस्टल बरामद की गई है और 32 mm की पिस्टल जो दूसरा अभियुक्त था जो भाग गया उसके पास है, लेकिन उसके 6 खोखे भी बरामद हुए हैं। मोटरसाइकिल घटना में जो अभियुक्त जिस मोटरसाइकिल से थे वो मोटरसाइकिल बरामद हुई है। घटनास्थल में घटना में जो घायल हुआ है अभियुक्त, उसके कब्जे से एक रक्षक बैग बरामद हुआ, जिसमें ढेर सारी नशीली दवाइयां हैं, महंगे कपड़े हैं, ब्रांडेड कपड़े हैं। इस घटनाक्रम में हमारी पुलिस पार्टी के 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। तो घटनाक्रम में जो बदमाश घायल हुआ, जो हमारे जो पुलिसकर्मी घायल हुए, दोनों को इमिडिएटली हमारी जो PC वैन होती है उसके जो सबसे नज़दीकी CHC है वहाँ रेफर किया गया। अभी तक हमारे दोनों पुलिसकर्मियों की जो स्थिति है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। एक के बाएं हाथ में गोली लगी है, दूसरे के दाहिने हाथ में गोली लगी है। जो थानाध्यक्ष हैं मुरादनगर, उनकी भी VP जैकेट पे, सीने पे गोली लगी है। कोशिश की जा रही है कि जो दूसरा अभियुक्त फरार हुआ है उसको भी किसी भी तरीके से पकड़ा जाए। पिछले 1.5 घंटे से गाजियाबाद के सभी जितने हमारे चेक पोस्ट है, चेक पॉइंट है, सभी जगह लगातार हम चेकिंग करा रहे हैं। इस बात की प्रयास है कि उसको भी शीघ्र ही हम पकड़ लेंगे। सर, आज पुलिस को कैसे पता चला कि यहाँ से बदमाश निकल रहा है? ये इनिशियल डिटेल्स है।